सत श्री अकाल जी एंड कॉपी टू ऑल. इज द स्क्रीन विजिबल जल्दी? यस सर, परफेक्ट. ते आज असी गल करांगे जी क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रबल शूटिंग इन हिमेटोलॉजी एनालाइजर. ते एक गल तुसी समझो कि मशीन जब गलत देंदी है ना ते वो सारे मरीजों का गलत दे देंदी है. ते मशीन का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है. तो बहुत सारा काम बहुत जल्दी प्रिसाइज और एक्यूरेट कर दी है, लेकिन जब मशीन गलत होती है और तुसी अगर ध्यान नहीं दिता ते तुहानू पता चलन तो पहले 100-200 मरीजों की गलत रिपोर्ट आउट भी हो सकती है. ते इस गल नू ध्यान रखना है. ते क्वालिटी कंट्रोल जड़ा है ना सब तो पहला सवेरे जड़ा कहते ना नित नियम नाल करना ही करना है डेली अपना. ते गल करांगे जी सब तो पहले क्वालिटी एश्योरेंस दे तीन मेजर कंपोनेंट्स है ने. इज माय इंटरनेट ओके? यस सर, इट्स वर्किंग फाइन. वी कैन हियर यू एंड द स्लाइड्स आर चेंजिंग. वी आर ऑन क्यूए एक्टिविटी स्लाइड. No, no, it was unstable from my end. Okay. नहीं नहीं ठीक था. क्वालिटी एश्योरेंस दे तीन मेजर कंपोनेंट है ने जी. एक प्रिवेंटिव कंपोनेंट हैगा, एक असेसमेंट कंपोनेंट हैगा और एक करेक्टिव कंपोनेंट हैगा. असी समझने कि भाई इन्हां तिन्नां च की फर्क है. सब तो पहले जी प्रिवेंटिव कंपोनेंट है, यह वो सारी एक्टिविटीज है जेड़ा अपना टेस्ट लगाने तो पहले करने हैं. यानी कि असी देखने हैं कि भाई ए टेस्ट लगाने तो पहले सारा कुछ ठीक रहे. ए बेसिकली तुहाडी मशीन की डेली वीकली मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाती है, तुहाडी मशीन की कैलीब्रेशन आ जाती है, तुहाडी टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट मीडियाज आ जाती है और तुहाडे जेडे बंदे टेस्ट ला रहे हैं टेक्नीशियंस उन्हां सब की ट्रेनिंग उन्हां की कॉम्पिटेंस असैसमेंट ए सब प्रिवेंटिव कॉम्पोनेंट हैगा. जे आप टाइम नाल करते रहेंगे तो साढ़े मशीन च एरर आने के चांस घट जाएंगे काफ़ी हद. उस तो बाद जी तुहाडा आंदा असैसमेंट कॉम्पोनेंट. ए बेसिकली तुहाडे जिहड़ी वो एक्टिविटीज हैं जिहड़े टेस्ट लगाने के दौरान आंदियां ने. यानी कि तुसी बेसिकली रैंडम और सिस्टमिक एरर नू पकड़ोगे तुहाडे बेसिकली तुहाडे कंट्रोल्स तुहाडे कैलीब्रेटर तुहाडा स्टार्टअप तुहाडा शटडाउन तुहाडा सिस्टम चेक और जिहड़े तुसी कंट्रोल ला रहे हो उहनां दा जिहड़ा कंट्रोल चार्ट हुंदा जिहनू आपां लेविजेनिक चार्ट कहिंदे आ उहदे जिहड़े वेस्टगार्ड रूल्स वगैरह लग रहे ने उह सब तुहाडा असैसमेंट कंपोनेंट है क्वालिटी दा. इहनू असीं जरा ज्यादा डिटेल डिस्कस करांगे क्योंकि अज दा साडा मेन मुद्दा इही हैगा. और थर्ड इज करेक्टिव कंपोनेंट. ए जब तुहाडी कोई एरर आ गई है सिस्टमिक या रैंडम उहनू आपां ठीक किस तरह करांगे वो बेसिकली हुंदा है. जे तुहाडे विचों कुछ लैब एन ए बी ए लगियां ते तुहाडे कोल इक शीट हुंदी जिहनू आपां कापा कहिंदे ने उहदा मतलब हुंदा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन. ए बेसिकली ए जब करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन असीं करने आ किसी चीज़ दा ते दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी. ते एना तिना नू थोड़ा होर डिटेल देखने. सब तो पहले प्रिवेंटिव तुहाडी आंदी जी ऑपरेटर दी ट्रेनिंग उहदा कॉम्पिटेंस असैसमेंट. फिर जिहड़ा तुसी सैंपल कलैक्ट कर रहे हो उहदा स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर दा हैगा कि नहीं हैगा. कल जलदीप ने दस्या सी ए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ किस तरह लेना है, सैंपल किस तरह लेना है, मिक्सिंग किन्नी देर करनी है. यह सब तुहाडे इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट हैगे प्रिवेंटिव दे. उस तो अलावा असी कल गल कीती सी जी सैंपल इंटीग्रिटी दी भी कि भाई 3 पार्ट ते सैंपल जिहड़ा 6 घंटे तो घट होना चाहिए, 5 पार्ट ते 24 घंटे तो घट होना चाहिए, इस तो पुराना सैंपल नहीं होना चाहिए. यह सारे जिहड़ी चीज़ां हैगियां ने तुहाडे प्रिवेंटिव क्वालिटी एश्योरेंस दे अंदर आंदियां ने. फिर आपां आंदे हां जी असैसमेंट पार्ट ते. इहदे तुहाडे कैलीब्रेटर जिहड़े रन होंदे ने, तुहाडे डेली टू लैवल कंट्रोल जिहड़े तुसीं रन करदे हो, उस तो बाद तुसीं इहदे जिहड़े लेविजेनिक चार्ट्स बनांदे हो, इहदे ते जिहड़े वेस्टगार्ड रूल्स लगांदे हो रिजेक्शन दे, और तुहाडे जिहड़े एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लिमिट्स होंदियां ने, यह सब तुसीं इहदे तों असैस करदे हो. ईवन कई लोग इक्वास च पार्टीसिपेट करदे ने या तुहाडा इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन दूजी लैब नाल तुसीं करदे हो, यह भी तुहाडा बेसिकली इहदे अंदर ही असैसमेंट प्रोग्राम दे अंदर ही आंदा है. फिर तुहाडा पोस्ट एग्जामीनेशन इज तुहाडा आंदा है डेल्टा चैक. डेल्टा चैक मतलब कि इको पेशेंट का सैंपल तुसीं एक दिन लगाया और उहदा फिर 4-5-6 दिन बाद लगाया. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਉਸ 5-6 ਦਿਨ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰੀ ਹੋਈ. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੁੱਲ,
उन्हें एक बुल एल्गोरिदम बनाया जो कि बिना खर्चे दे थोड़ी बेसिकली मूविंग एवरेज चेक कर सकता है। बारे पर डिस्कस करांगे और फिर थोड़ा इक्वास प्रोग्राम और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जिदे थोड़ा की बेसिकली इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन है ऐसा सारा पोस्ट एग्जामिनेशन ही चलता है। ऐ तिना चीजा नु मिला के थोड़ा पूरा दा पूरा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनता है। तो इधर तीन कंपोनेंट है ने जी, प्री एनालिटिकल यानी टेस्ट करन तो पहले, एनालिटिकल यानी टेस्ट करन तो दौरान, और पोस्ट एनालिटिकल यानी टेस्ट करन तो बाद। तेनू असी हुन थोड़ा प्री एनालिटिकल नु पहले डिस्कस करने हैं जी। प्री एनालिटिकल जी सब तो पहले हैगी सैंपल कलेक्शन, इधर थोड़ा चॉइस ऑफ एंटी कोएगुलेंट, बेसिकली द प्रेफर्ड एंटी कोएगुलेंट इथे हैगा ईडीटीए। इधर थोड़ी या तो मिक्सिंग डिले हो गई, कल जिहड़ी आपां गल कीती सी कि जब तुसी सिरिंज नाल सैंपल लै रहे हो और वैक्यूटेनर दा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा छठे सातवें नंबर से ईडीटी आंदा है, वो थोड़ी डिलेड मिक्सिंग नू कंट्रीब्यूट कर रहा है। या कई बार थोड़ा जिहड़ा बंदा सैंपल लै रहा वो थोड़ा जिहा लेजी हैगा, उन्हें चार पांच बार हिला के उन्हें रख दिता, इनएडिक्वेट मिक्सिंग कर दी, इन्हों दोनों चीजों नाल प्लेटलेट क्लंपिंग हो जाएगी, वो थोड़े प्लेटलेट काउंट नू खराब करेगी, जे क्लॉट बन गया तो थोड़े हीमोग्लोबिन और आरबीसी नू भी इफेक्ट कर सकती है। फिर पेशेंट की अपनी कंडीशन, मान लो पेशेंट अनीमिक पेशेंट है, आयरन डेफिशियंसी अनीमिया का पेशेंट है, उन्होंने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है, वो भी थोड़ा बेसिकली प्री एनालिटिक एरर विच काउंट हो जाएगा। या कई बार असी क्या सी कि जी ईडीटीए इंड्यूस्ड पीटीसीपी यानी कि स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, एडेज की हो रहा है कि ईडीटी आप ही एग्रीगेट्स बना रहा है और प्लेटलेट काउंट नू फॉल्सली कटा रहा है। एडेज कल किसी ने गल की सी जी अपन ट्राइसोडियम सिट्रेट का सैंपल ले लेने हैं, ते वो ईडीटी इंड्यूस्ड पीटीसीपी ट्राइसोडियम सिट्रेट का सैंपल है, गलती नू ठीक कर देगा। ते पेशेंट कंडीशन दे रिलेटेड प्री एनालिटिकल एरर है। फिर तुहाडे हिमाटोलॉजी एनालाइजर दे नेड़े तेड़े जे एमआरआई सीटी दी रेडिएशन हैगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी तुहाडे बेसिकली रिजल्ट नू खराब कर सकती है। जे तुहाडी बिजली दी तार दी अर्थिंग ठीक नहीं हैगी, उहदे करके भी प्लेटलेट वाले एरिया च नॉइज आ सकता है। फिर तुहाडे कोई सैंपल मिक्सअप हो गया, राम लाल दी जगह श्याम लाल दा सैंपल लग गया, बार कोडिंग तुहाडी ठीक नहीं है, या बार कोडिंग तुसी लैब च करदे नहीं हो, हाथ नाल लिखदे हो, किसी ने गलत नाल लिखता। फिर एज एंड कंडीशन ऑफ सैंपल स्टोर, यानी कि तुहाडा बेसिकली ट्रांसपोर्ट इज सैंपल किन्ना पुराना हो गया, थ्री पार्टीज अगर छह घंटे तो पुराना हो गया या फाइव पार्टीज चौबीस घंटे तो पुराना हो गया, तो वो रिजल्ट तो उदा भी फर्क पड़ेगा जी। फिर अपन क्या सी जी पोस्ट ड्रॉ सैंपल स्टेबिलिटी, सैंपल खिंचन तो बाद उदी किन्नी स्टेबिलिटी हैगी, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ डिपेंड करना है। और लास्ट रिएजेंट्स, तुसी ये देखना है कि तुहाडे रिएजेंट कित्थे एक्सपायर ते नहीं हो गए, या तुहाडे रिएजेंट कोई बैक्टीरियल फंगल कंटेमिनेशन ते नहीं हो गई। या एक बड़ी कॉमन चीज होंगी है, जब तुहाडा डायलुएंट पैक आंदा है किधरों कंपनी तो या डिस्ट्रीब्यूटर तो, ते वो गड्डी हिलदा हिलांदा आंदा है, उहदे च काफी बबल फॉर्मेशन हो जाती है, ते जे उन्हूं दो घंटे के अंदर मशीन ते ला दोगे तो फॉल्सली वो प्लेटलेट का नॉइज क्रिएट करेंगे। तो एक प्रिकॉशन लेनी है कि जब भी तुहाडे डिस्ट्रीब्यूटर तो तुहाडा डायलुएंट पैक आए, उन्हूं दो तीन घंटे ऐसी साइड पर रख देना है, उहदे बबल सारे स्टेबल हो जाए, उस तो बाद ही उन्हूं मशीन ते लगाना है। ऑल दीज कंडीशन, ए सारी कंडीशन कंट्रीब्यूट कर दी है प्री एनालिटिकल एरर्स। हुण असी गल करने जी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ ते, बी डी का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है, तुहाडे सब दे लैब विच जरूर है, चार्ट कितने ना कितने लगे होना है। ते ए तुसी देखो इत्थे तुहाडा ईडीटीए का नंबर आ रहा है एक दो तीन चार पांच छठे नंबर से। हुण अगर तुसी डायरेक्ट वैक्यूटेनर तो लै रहे हो तो इहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीधा वेन तो तुहाडा ब्लड वैक्यूटेनर के अंदर आ गया है। पर जे तुसी सिरिंज नाल ब्लड लिता है तो छठे नंबर से जब तक ईडीटी आएगा तब तक तुहाडा काम खराब हो जाएगा। जे सिरिंज नाल कभी तुहानू लेना पै रहा, इहनू पुश करो, इहनू नंबर तीन से ले आओ, ब्लड कल्चर और सिट्रेट तो बाद तीजे नंबर से ले आओ, ताकि तुहाडा बेसिकली इहदे प्लेटलेट क्लंपिंग या क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होए। ठीक है ना, यही गल की थी भी सिरिंज नीडल नाल बेसिकली तुहाडे प्लेटलेट एग्रीगेट बन रहे हैं जी। ये देखो ए तुहाडा पेरीफेरल स्मीयर है, प्लेटलेट क्लंपिंग हो रही है इहदे च। जिन्ना टाइम तुहाडा ब्लड आन तो बाद मिक्सिंग लगेगा उन्नी ज्यादा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी और फॉल्स प्लेटलेट कट आएंगे। नेक्स्ट ब्लड मिक्सिंग है जी, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम ऑफ कलेक्शन
तो मिनिमाइज करनी ऐसी प्लेटलेट एग्रीगेशन और कट्टो कट ऐसी 10 टाइम इमीडिएटली मिक्स करना है कलेक्शन तो बाद। वैसे मैं अपने बंदियां नु वी वारी कहना क्योंकि जे मैं वी वार कहांगा तो कट्टो कट 10 बार तो मिक्स कर ही देंदे बंदे तो बेटर है तुसी जेड़ा बंदा सैंपल कलेक्ट कर रहा उन्हें एसओपी ची पा दोगी वी वार मिक्स करना है और दूजी बार एक बार और मिक्स करना है एनालाइज करन तो पहले मतलब कि जब तुसी एनालाइजर ते सैंपल ला रहे हो जे ते तुहाडे मशीन विच ऑटो लोडर हैगा और इंटरनल मिक्सिंग करता है तां ते कोई चिंता दी गल नहीं पर जे तुसी मैनुअली उन्हें लोड कर रहे हो ते 10 तो 20 बार दोबारा मिक्स करोगे उन्हें मशीन नु एस्पिरेट करन तो पहले। नाउ असी ये पोस्ट ड्रॉ सैंपल स्टेबिलिटी दी गल कल भी कीती सी आज फिर मैं उन्हें रिपीट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट वास्ते तुहाडा 6 तो 8 घंटे पोस्ट ड्रॉ स्टेबिलिटी हैगी और 5 पार्ट वास्ते तुहाडी 24 घंटे स्टेबिलिटी हैगी। जे इस तो पुराना सैंपल है तो बैटर है तुसी अस्पताल नु या डॉक्टर नु कहो कि जी दोबारा सैंपल भेजन वो बैटर रहेगा। नाउ कमिंग टू रिएजेंट टेम्परेचर पावर सप्लाई एंड क्यूसी स्टोरेज माइक्रो बबलिंग डाइल्यूएंट पैकेज मैं गल की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 2 घंटे तक वो प्लेटलेट बैकग्राउंड अफेक्ट कर दिए तो प्रीकॉशन के तौर पर तुम अपने टेस्टिंग एरिया च कहना जी कि जब भी सैंपल डाइल्यूएंट पैक बाहरों आ रहा है उन्होंने घट्टो घट 2-3 घंटे एन जी रूम टेंपरेचर से स्टेबल रख लो जी उस तो बाद उन्हें ही मशीन से लाना है जी ठीक है ना जी। और एनू रूम टेंपरेचर से इक्विलिब्रियम से आने से भी टाइम लगता है तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिवें तुसी गल कही जी सर्दी बहुत होंदी है नॉर्दर्न पंजाब खासकर विंटर 0 डिग्री टच कर जाता है तो अंदर थोड़ा बहुत हीटर होना चाहिए ताकि वो टेंपरेचर 23-24 डिग्री के आसपास ले आए। उसी तरह गर्मियों जब टेंपरेचर बहुत गर्म हो जाता है वो कदे कदे जो सा ईजनो फिक्स है क्यूसी नू कदे भी फ्रीजर कंपार्टमेंट नहीं रखना वो हिमोलाइज हो जाएगा और डेली लगान तो पहले उन्हें देखना है जे क्यूसी तुहाड़ा लाल रंग दा हो जाए जब लाइट उदे नाल पास हो रही है इदा मतलब वो हिमोलाइज हो गया है हुण ए क्यूसी तुसी यूज नहीं कर सकते तुसी नवी बॉटल क्यूसी दी खोलनी है ते डेली 2 लेवल क्यूसी लगान तो पहला तुसी सब तो पहले क्यूसी दी इंस्पेक्शन भी करनी है बिफोर टेस्ट नू लगान तो पहला ए सारी चीजां दा तुसी ध्यान रखोगे ते तुहाड़ा प्री एनालिटिकल जेड़ा कंपोनेंट है वो तुहाड़ा 99% रिड्यूस हो जाएगा। हुण असीं आने एनालिटिकल एरर ते ए अगर तुसीं प्री एनालिटिकल कंट्रोल कर लिया ते ए मेन सोर्स ऑफ एरर रह जांदी। इहदे दोनों किस्म दी एरर आंदी रैंडम एरर जो किसी किसी सैंपल ही जांदी है या फिर सिस्टमिक एरर जदों आ जांदी है ते वो फिर हर सैंपल नूं अफेक्ट करनी शुरू कर दिंदी। सैंपल एनालिसिस 3 चीजा होंगे एक होंगी प्रिसीजन प्रिसीजन की असी गल की कि जी 10 बारी आप सैंपल लगावे तो 10 बारी इको ही रिजल्ट आएगा तो जब प्रिसीजन खराब होएगी तो सब तो पहले तो क्यूसी अफेक्ट हो जाएगा जी थोड़ा 2 लेवल क्यूसी जो डेली लगा रहे हो वो ते हिट आएगा प्रिसीजन दे करके। एक्यूरेसी लेकिन क्यूसी नाल हमेशा पता नहीं चल पाएगी क्योंकि तुसी क्यूसी दा मीन और क्यूसी दी स्टैंडर्ड डिविएशन कंपनी दी यूज कर दे हो वो काफी ब्रॉड होंदी है ते एक्यूरेसी खराब होने च तुहानू पता लगने थोड़ा टाइम लग जाएगा एदे करके तुसी उदे वास्ते दूजी चीज यूज करनी जिन्हों असी इक्वास कहने हां या इंटर लैबोरेटरी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहने हां एक्यूरेसी डिटरमाइन करने वास्ते। और कई बार जिहड़ी एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस है यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वगैरह वो भी एनालिटिकल स्टेबिलिटी खराब कर सकती हैं तो बेसिकली जो पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर है तो हीमेटोलॉजी का जो एरिया है वो सीटी एमआरआई वाले एरिया तो दूर होना चाहिए। तो यह इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रिसीजन असी कल गल की थी प्रिसीजन का मतलब है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ द टेस्ट एक्यूरेसी का मतलब है कि रिपीटेबल तो हैगा लेकिन मतलब मान लो पेशेंट का हीमोग्लोबिन 12 है तो वो 12 के किना नेड़े है 11.8 है 11.9 है तो एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन मान लो अदर उदा
एक्चुअल हीमोग्लोबिन 12 है और तुम्हारी मशीन 10 दे रही है, तो मतलब एक्यूरेसी खराब है जी। तीजी चीज आएगी कैलिब्रेशन, कल जलदीप ने दसिया सी जी एनुअली एक बार ते कैलिब्रेशन करनी करनी है। उस तो अलावा जब कोई ट्रबल शूटिंग इच कोई थोड़ा एरर आंदा है और उदे नाल प्रिसीजन थोड़ी ठीक है उदे स्टेज ते तुसी रीकैलिब्रेशन दे बारे भी सोच सकते। चौथी चीज हैगी थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल मटीरियल तुसी यूजुअली मैनुफैक्चरर को ही लेंदे हो और इदी स्टेबिलिटी भी घट ही होंदी 40 दिन दे कोल कोल होंदी जी और इदा ही मीन और इदा ही स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना होंदा। और पंजवी चीज थोड़ी है लीनियरिटी, यानी कि मशीन कितने तक लीनियर हैगी और अ पर्टिकुलर पैरामीटर। जिवें फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਯੂਜੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਸੀ ਚੈੱਕਸ ਇਨ ਅ ਹੀਮੋਟੋਲੋਜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕਿਊਸੀ ਮੈਥਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ क्वालिटी कंट्रोल मेथड जो है बेसिकली बेसिकली कंट्रोल चार्ट बनाना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और टेक्नोलॉजीज का भी रिव्यू करना है, ठीक है ना। और ये अलावा रेगुलर कैलिब्रेशन करनी है, कमर्शियल कंट्रोल 2 लेवल यूज करने ने। एक और चीज यूज कर सकते हो जिसका कोई खर्चा नहीं है, वो बुल्स मूविंग एवरेज होती है, वो बारे असं गल करांगे जिसे असं एमसीबी एमसीएच एमसीएचसी बीवी पेशेंट दे मॉनिटर करने हैं। अजकल दे मॉडर्न एनालाइजर कई बार ते अंदर ही भूल एलगोरिदम होंदा है। और इदे अलावा असी इंटर लैबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम करने, यानी कोई इक्वास प्रोग्राम नाल असी इनरोल करना है, या फिर असी जे इक्वास प्रोग्राम नाल इनरोल नहीं कर सकते ते दूजी लैब नाल इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन करना है। और मोटे तौर पर 2 चीजें अगर तुसी करोगे ते ए दोनों दे मिलके काफी हद तक तुहाडे सिस्टम इक रैंडम एरर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। एक ते तुहाडा डेली 2 लेवल क्वालिटी कंट्रोल लगाओ और उदे नाल तुसी उदी क्वालिटी कंट्रोल दे जड़े चार्ट्स हैं लेविजेनिक चार्ट्स उन्होंने वेस्टगार्ड रूल्स नाल फॉलो करो। और दूजा तुसी बुल्स दी मूविंग एवरेज देखो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करो। इन्हां दोनों नाल तुहाडा तकरीबन सारा क्वालिटी कंट्रोल दा काम जड़ा है सर जाएगा। एदे बारे असी होर डिटेल विच हुण डिस्कस करने हैं। उस तो पहले मैं कुछ पढ़ना चाहना वा, ऐ क्लॉज 5.6 है की एक डॉक्यूमेंट होती है जिसका नाम है NABL 112। ए तुसी समझ लो क्वालिटी कंट्रोल दी बाइबल हैगी और बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट भी NABL एक्रेडिटेशन नू मंदी है। वो की कह रहे ने जी कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जरूरी हैगा प्रिसीजन नू चेक करन वास्ते और एनू असी दिन च घट्टो घट 2 लेवल कंट्रोल वंस अ डे लगाना है। जे लैबोरेटरी 24 घंटे चलती है तो एक एक्स्ट्रा कंट्रोल असी हर 12 घंटे से फिर दोबारा लगाना है। और एदे नाल असी फिर इन्हां दे लेविजेनिक चार्ट यानी जिन्हों आपां LJ चार्ट कहते हैं उन्हां दी प्लॉटिंग भी करनी है। और इन्हां ते वेस्टगार्ड रूल्स जगह ने एक रूल्स होंदे ने जिदे ते तुहाडी क्वालिटी कंट्रोल पास या फेल होंदा है वो लगाने ने, डेली लगाने ने, ठीक है ना। एदे च कोई इफ एंड बट नहीं हैगी। इस तों अलावा तुसी कुछ एडिशनल अप्रोच यूज कर सकते हो बट वो एडिशनल अप्रोच थोड़ा ऑल्टरनेटिव नहीं है क्वालिटी कंट्रोल का। यह नहीं कह सकते कि जी आप क्वालिटी कंट्रोल करने की जगह ऑल्टरनेट अप्रोच यूज कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल तो तुसी लगाना ही लगाना है। यह एडिशनल अप्रोच इज बेसिकली इन एडिशन टू द क्वालिटी कंट्रोल। उदे तुसी की कर सकते हो बुल एलगोरिदम की मूविंग एवरेज कर सकते हो और कई होर किस्म की चीजा भी कर सकते हो जिंदे नाल तुसी क्वालिटी अश्योरेंस नू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली ये बुल एल्गोरिदम की गल कर रहे हैं। जेड़ी भी लैबोरेटरी दिन 100 सैंपल तो ज्यादा कर रही है उन्होंने बुल एल्गोरिदम करना चाहिए जी। उदे डे टू डे वेरिएशन 3 पैरामीटर की देखते हैं, एमसीवी एमसीएच और एमसीएचसी। और इन बुल एल्गोरिदम इज विच एनालाइज कर रहे हैं, इन असं हम डिटेल अगे डिस्कस करा बुल एल्गोरिदम। ए कोई खर्चा नहीं है जी, ए बेसिकली थोड़े पेशेंट सैंपलों नाल ही काम हो रहा है, तो देर इज नो एडिशनल कॉस्ट टू रन अ बुल एलगोरिदम। सब तो पहले असी मैनुफैक्चरल कंट्रोल से आने हैं। ए यूजुअली 3 लेवल होंगे ने, लो मीडियम हाई, और हर बैच 30 तो 45 दिन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो इन्ना टाइम नहीं होंगे कि असी अपने लैब की अपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बनाइए, तो इस करके सानू जिहड़ा मैनुफैक्चरर का मीन और मैनुफैक्चरर का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो प्रोसीड करना पैंदा है।
पहला फायदा है कि ये स्पेसिफिक फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी मतलब हरिबाधा करोगे तो हरिबाधा ही होएगा, थोड़ा सिस्मेक्स दा करोगे तो सिस्मेक्स दा होएगा, मिंट्रे दा करोगे तो मिंट्रे दा होएगा, बैकमैन दा करोगे तो बैकमैन दा ही होएगा। और यह सब तो वधिया मेथड है इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन नू डिटरमाइन करन दा, एलजे चार्ट प्लॉट करके एनू डिस्कस करांगे ऐसे कि एलजे चार्ट किवें प्लॉट करना है और किवें वेस्टगार्ड रूल्स नू देखना। लेकिन इधर थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है ना जी, क्योंकि एदा जेड़ा मैट्रिक्स होंदा है वो नॉर्मल पेशेंट दे ईडीटी सैंपल तो फर्क होंदा है, क्योंकि एनू असी ट्वीक करने हैं दी शेल्फ लाइफ वधाने वास्ते ते एदा मैट्रिक्स डिफरेंट होंदा है। और दूजी चीज मैनुफैक्चरर दा जेड़ा रेंज होंदी है यानी कि मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन वो थोड़ा जहा ब्रॉड होंदा है, ते जेड़े माड़े मोटे इफेक्ट आने शुरू होंदे ने एनालाइजर ते वो इहदे कदे कदे मिस हो जांदे ने। ठीक है ना। और तीजी चीज की है क्योंकि इहदी शेल्फ लाइफ शॉर्ट है, इहदी शेल्फ लाइफ खत्म होने वाली होंदी है, क्वालिटी कंट्रोल डिटीरियरेट होना भी शुरू होता है, तो आपको पता चल जाएगा एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी जब तुम फॉलो करोगे। और हिमोलिसिस वासे भी इन्हें देखना पड़ेगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ शेल्फ लाइफ इधर हिमोलिसिस आना भी शुरू हो जाता है जी। हुन क्वालिटी कंट्रोल कद आउट ऑफ कंट्रोल होता है, पहले तो असं देखना है कि जी यदि ओपन वायल स्टेबिलिटी कितनी है, क्वालिटी कंट्रोल एक बार खोल लिया तो कितने दिन तक स्टेबल है, जितने दिन तक स्टेबल है उतने दिन ही रन करना है। फिर असी लेविजेनिक प्लॉट तो एक चीज चेक करने है, ट्रेंड एनालिसिस किएगा जी, डेली लेविजेनिक प्लॉट प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, जो उसको बाद आ रहा है तो वार्निंग एंड रिजेक्शन सिग्नल होंगे उन्होंने असं फॉलो करांगे। और अगर मान लो कोई वन टाइम एरर आ रहा है तो उन्होंने रिपीट ऐसे करके देखांगे कि भाई हो सकता है इट कुड बी अ रैंडम एरर, वो चला ही जाए। और फिर इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन और एक्यूरेसी आप ये नाल मेजर करांगे। ए जेम्स वेस्टगार्ड की फोटो है जी, ए डॉक्टर साहब ने सब तो पहले वेस्टगार्ड रूल बनाए जो कि आज तक क्वालिटी कंट्रोल दे मामले च मतलब एक तरीके नाल तुहाडा बाइबल हैगी, चाहे तुसी बायोकेमिस्ट्री करो, चाहे तुसी हिमाटोलॉजी करो, इम्यूनोलॉजी करो, कुछ भी लेबोरेटरी च करो, वेस्टगार्ड रूल हर जगह क्वालिटी कंट्रोल दे रूल दी तरह यूज होंदे ने। और ए समझ लो एक किस्म दी क्वालिटी कंट्रोल दी गुरु ग्रंथ साहिब ही हैगी जी। ते ए वेस्टगार्ड रूल होंदे ने, असीं पहले दो लेवल कंट्रोल रन करने हैं जी डेली, जे दो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन जेड़ा कि मैनुफैक्चरर ने दिता है उहदे अंदर वैल्यू आ रही है ते तुहाडा बेसिकली अज दा क्वालिटी कंट्रोल रन पास हो गया। अगर मान लो वन टू एस आ रही है यानी कि दो स्टैंडर्ड डिविएशन और तीन स्टैंडर्ड डिविएशन के विचकार तुहाडी अज दी वैल्यू आ रही है क्यूसी दी, ते ए एक किस्म दा वार्निंग सिग्नल है, बट ए रिजेक्शन नहीं हैगा। एदे तुसी की करोगे जी, तुसी एक लेवल कंट्रोल होर लगा लोगे, वो जे नॉर्मल हो जाएगा तो तुसी कुछ नहीं करना, अज दा रिजल्ट नू पास कर देना। लेकिन अगर मान लो दूजा कंट्रोल लगाओगे और वो दो बार टू एस तो बाहर आ जाता है ते है तुहाडा रिजेक्ट रन है। हुण तुसी बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इनू रूट कॉज एनालिसिस करना है कि तुहाडा क्वालिटी कंट्रोल क्यों फेल होया। सिमिलरली अगर तुहाडा 1-3S यानी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तो तुहाडा बाहर कंट्रोल आ गया पहली बार ही जी, वो भी रिजेक्शन रूल हैगा, उस तो बाद तुसी दोबारा सारा रूट कॉज एनालिसिस करना है। नेक्स्ट इज R4S। R4S दा मतलब है कि तुहाडा एक लेवल कंट्रोल जड़ा है वो प्लस टू स्टैंडर्ड डिविएशन है 1-2S है, और दूजे लेवल कंट्रोल थोड़ा माइनस 2S है, यानी दोनों लेवल कंट्रोल दे बीच थोड़ा 4S दा डिफरेंट आ गया है, ए भी रिजेक्शन रूल हैगा। इस तो अलावा दो होर रूल हैगे ने 4-1S और 10X। 4-1S हैगा कि थोड़ा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दे बीच 4 कंजेक्यूटिव वैल्यू आ गई है, और 10X दा मतलब है कि मीन दे एको पासे थोड़ी 10 वैल्यू आ गई है। लेकिन ए दोनों रूल थोड़े हेमाटोलॉजी ते अप्लाई नहीं होंगे, वो इस करके कि तुहाडा स्टैंडर्ड डिविएशन और तुहाडा मीन जिहड़ा वे वो मैनुफैक्चर दा है। अनलाइक बायोकेमिस्ट्री इहदे तुसी अपना मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बना सकते, इस करके तुहाडा थोड़ा बहुत जिहड़ा की कहिंदे ने इंस्ट्रूमेंट बायस है वो 4-1S और 10X रूल नूं लिया सकदा है। इस करके इस रूल नूं आपां हिमाटोलॉजी नहीं देखते, हिमाटोलॉजी मेनली असीं तीन रूल ही फॉलो करते हैं रिजेक्शन दे, 1-3S, 2-2S और R4S। बेसिकली
ये 1.3s 2.2s R4s आ गया है ते ए बेसिकली तानू खून बैठ के रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा लेकिन अगर 1.2s है ते ए फॉल्स रिजेक्शन हैगा कहीं कहीं जगह वेस्ट गार्ड ने भी लिखा है कि बहुत हाईली प्रिसाइज एनालाइजर है तुसी 3.5s भी यूज कर सकते हो लेकिन NABL इसको रिकमेंड नहीं करता इस करके NABL पॉइंट ऑफ व्यू नाल असी 1.3s ते ही रुके हुए हैं ए 1.3.5s करण वासे सानू 6 सिग्मा ते जाना पड़ेगा विच इज आज दी डिस्कशन से बियॉन्ड द स्कोप है वो कभी क्वालिटी ते लेक्चर लांगे अलग तो ते उदे बारे डिस्कस करा इस तो अलावा असी जेड़े दूजे क्वालिटी कंट्रोल दे मेथड यूज करने हैं एक ते असी स्टोर्ड सैंपल भी कई बार यूज कर सकते हैं जिन्हों असी रिटेन्ड सैंपल कहने हैं कि कल दा सैंपल आज दोबारा लगा लेंगे ऐ बहुत ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी जेड़ी सैंपल दी है वो थोड़ी इशू आ जाए गलत पिक्चर दे देगी दूजा असी इंटरपैरामेट्रिक चेक होता है HNH जिसे हीमोग्लोबिन is equal to 3 times the hematocrit across 15-20 samples ऐ भी use कर सकते हैं इस तो अलावा असी delta check भी use कर सकते हैं उद्देश्य की है कि same patient नो असी हफ्ते 10 दिन दे gap पे दो बारी run करिए लेकिन इधर भी drawback है कि अगर मान लो हफ्ते 10 दिन patient नो कोई बीमारी हो गई तो सानू दिक्कत हो जाएगी तो सब तो जेड़ा वधिया इधर जो method हैगा वो basically bull algorithm ही हैगा जिन्हों असी हुन discuss करांगे एडेज की होंदा है कि असी पहले 300 तो 500 पेशेंट का डाटा लेके अपनी लैब दी बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज बना लेने हैं सारे पैरामीटर दी ठीक है ना जी फिर एडेज असी बुल दी मूविंग एवरेज यूज करने हैं आइडियली वी पेशेंट वी हेल्दी पेशेंट का बैच बनाने हैं असी और उदे बेसिस ते असी बुल एल्गोरिदम यूज करने हैं और एडेज मेनली असी तीन पैरामीटर देखने हैं MCV MCH और NCHC असी ए तीन पैरामीटर इस करके देखने हैं कि ए सब तो तीन स्टेबल पैरामीटर्स ने इना चो बायोलॉजिकल वेरिएशन सब तो कट होंदी है और इना दा परसिस्टेंट शिफ्ट असी इन्वेस्टिगेट करते रहने हैं देखने वास्ते कि भाई कितने मशीन इच कोई सिस्टमिक एरर ते नहीं आ गई ते इनु असी वेटेड मूविंग एवरेज ऑफ बैच भी कहने हैं जिनु असी बुल्स एल्गोरिदम भी कह सकते हैं एदे च असी मिनिमम 10 का बैच बनाना होता है क्योंकि 10 तो छोटा बैच बनावांगे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा एरर देने लग जाएगा आइडियल जो असी बैच बनाने हैं वी 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 पेशेंट का बैच बनाने हैं तो ये असी वी पेशेंट का बैच बना के असी कमर्शियल कंट्रोल की जगह रूटीन ब्लड सैंपल यूज करने हैं तो एक्चुअली एदा फायदा की है इट इज ट्रू टू दी ओरिजिनल सैंपल एंड नॉट यूजिंग अ कंट्रोल मैट्रिक्स और इदी वेटेड एवरेज यानी वी पेशेंट दी वेटेड एवरेज दा जी एक प्लॉट बनाने हैं और क्यूसी फाइल विच डेटा प्लॉट हो जांदा है दा इस तरह प्लॉट होंदा जी है तुहाडा WBC RBC हीमोग्राम हीमेटोक्रिट दा डेटा है इदे तुहाडी मीन और एक तुहाडी अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जांदी प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दी जब तक वो उस तो अंदर चलदा पिया वे तद तक तुहाडा बेसिकली मशीन दी प्रिसीजन ठीक है जी ते इदा की फायदे जी एक ते दे कोई खर्चा नहीं है तुसी पेशेंट सैंपल ना नहीं करना है कोई एडिशनल मैन पावर भी नहीं लगती जी तुसी सैंपल ते उवें भी रन कर रहे हो खाली एदे च डिटेक्ट जेड़ी एरर है वो इंस्टेंटेनियसली कर सकते हो कंट्रोल ते तुसी दिने सवेरे एक बारी लगाओगे मान लो शामी एरर आ गई तो तुसी शायद फकड़ नहीं पाओगे नाल इदे च सेम मैट्रिक्स हैगा जेड़ा तुहाडा ब्लड सैंपल ही हैगा और अगर तुसी लाइज दी देखना मटीरियल मॉनिटरिंग करनी उसके वास्ते आइडियल मेथड हैगा और क्वालिटी कंट्रोल तो ज्यादा सेंसिटिव मेथड हैगा और एनालाइजर दी स्टेबिलिटी जज करने वास्ते भी यह बहुत बढ़िया मेथड है बट विद द कैवियट कि यह जो मेथड है यह क्वालिटी कंट्रोल का सब्सटीट्यूट नहीं है यह उदे एडिशन करना है ते एदे च की होंदा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਰਹੇ ਉਹ ਰੋਬਸਟ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਡੇਟਾ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ 0 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲੈਂਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ
जेड़े जेड़े सैंपल इस कोई कोई पैरामीटर लिनियरिटी तो बाहर आंदा है यानी स्टार देंदा है उन्हों भी ऐसी डेटा तो रिमूव करने हैं कोई किसी सैंपल इस एरर आंदी है या प्लस 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 माइनस माइनस द साइन आंदा है उन्हों भी ऐसी डेटा तो रिमूव करने कोई बहुत ज्यादा हाई या लो वैल्यू द सैंपल होंगे आउटलायर उन्हों भी सैंपल तो वीडियो करने ताकि वो साढ़े मीन और साढ़े स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्यू ना कर दे क्योंकि जब बहुत हाई या बहुत लो सैंपल अंदर लोगे वो मीन अपनी तरफ स्क्यू कर लेना यानी पुल कर लेगा अपनी तरफ ते इदेच जेड़े कॉमन पैरामीटर है ने हीमोग्लोबिन प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आरबीसी डिफरेंशियल एना नु असी यूज नहीं करते वो इस करके क्योंकि इन बायोलॉजिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगी है और वो पेशेंट पॉपुलेशन और प्री एनालिटिक ते बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे ने सारे पैरामीटर एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम ए चार पैरामीटर बायोलॉजिकल वेरिएशन और प्री एनालिटिक ते डिपेंडेंट घट होंगे ज्यादा स्टेबल पैरामीटर होंगे इसलिए असि वो ही चार पैरामीटर यूज करने ते बुल एल्गोरिथम जेडे पैरामीटर अपना यूज करने वो है एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी एमसीएचसी की असि कल भी गल की जी कि जो 36 तो उत्ते है तो तुसी पहले देखना कि प्रॉब्लम की हैगी जी क्योंकि एमसीएचसी 28 तो 36 दे बियॉन्ड फिजियोलॉजिकली किसी भी मरीज का हो नहीं सकता ते जे किस जे आउट आ रहा बुल एल्गोरिथम ते एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट हैज टू बी क्वेश्चन ते उसी वेले तुसी रुक जाना जी रिपोर्ट नहीं करनी और अपना फिर रूट कॉज एनालिसिस अगे करना है बैच साइज इंपॉर्टेंट है आइडली दिन 100 मरीज जे तुहाडे हैगे ने घट्टो घट 5 बैच लगाओगे वीवी दे ठीक है ना ए 10 तो कट नहीं होना चाहिए बैच साइज क्योंकि जे बहुत छोटा होएगा ते बहुत सेंसिटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा एरर देगा फॉल्स रिजेक्शन देनी शुरू कर देगा और जे बैच साइज बहुत बड़ा हो गया मान लो 50-100 का बैच साइज असी लगाता तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत घट जाएगी मतलब गलत सैंपल नु भी फड़ नहीं पाएगा ते आइडियल जेड़ा बैच साइज असी लगाना है बुल एल्गोरिथम विच वो हैगा वी दा बैच साइज फिर इदे जेड़ी रेंज और टारगेट होंदी है वो बेसिकली काफी सेंसिटिव होंदी है और टॉलरेंस रेंज वाइड होंदी है और इनू असी ऑटो सेट भी कर सकते हैं मैनुअल सेट भी कर सकते हैं घट्टो घट 300 डेटा पॉइंट लेने ने पहले 300 मरीजों के सैंपल लैके असी अपनी मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बनानी है और बाद ही असी अगे इस एलगोरिदम फॉलो करना है जो तुम नवी मशीन लगाई है तो पहले 300 सैंपल तक बुल एलगोरिदम फॉलो ना करो क्योंकि तुहाडी जब तक रोबस्ट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बनती तद तक तुम बुल एलगोरिदम फॉलो नहीं करना है तो की पता चलता है बुल एलगोरिदम लगाने मान लो तुसी कोई नवा रीएजेंट यूज किया रिप्लेस किया एक्सपायर रीएजेंट मान लो रीएजेंट ही फॉल्टी होए कोई मान लो तुहाडे लाइसिस इनसफिशिएंट हो रहा है क्योंकि तुहाडी जेडे कोई अंदर हाइड्रोलिक लाइन क्लॉट आ गया है कोई तुहाडे लेजर प्रॉब्लम आ गई है बेसिकली तुहाडी कोई भी सिस्टमिक एरर है वो बुल एलगोरिदम फड़ लेगा लेकिन रैंडम एरर नु बुल एलगोरिदम नहीं फड़ पाएगा ओदे वास्ते तो तुसी फिर क्वालिटी कंट्रोल ही यूज करना क्यूसी मटी ते जब बुल एल्गोरिथम इच कोई एरर आएगा यानी कि प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तो बाहर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो असी करना की है बेसिकली ठीक है ना असी देखना है जी केड़ा पैरामीटर इफेक्ट होया किन्ने दिन तो आउट आ रहा है अज आउट आ रहा है या 2-4 दिन तो आउट आ रहा है फिर असी देखना है कि इहदा मीन असी प्रॉपरली सैट किया है कितने इहदी मीन की सैटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है फिर असी उस दिन दे स्कैटरग्राम यानी डब्ल्यूबीसी दे स्कैटरग्राम देखने ने एलएमएनई मैट्रिक्स नु चेक करना है फिर देखना है कि रिएजेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रिसीजन दी प्रॉब्लम है एक्यूरेसी दी प्रॉब्लम है केड़ी प्रॉब्लम है जब तक असी प्रॉब्लम नु आइडेंटिफाई नहीं करांगे असी सोल्यूशन दी तरफ नहीं बढ़ सकते सब तो पहला प्रॉब्लम नु आइसोलेट करना जी उस तो बाद जे सोल्यूशन तुहाडे एसओपी लिखी हुई है तो तुसी करो नहीं तो उस मैटर नु एस्केलेट करो कंपनी दे इंजीनियर नु बुलाओ और उन्होंने कंप्लेंट करो जी साड़ी मशीन कुछ प्रॉब्लम आ रही है जी डुप्लीकेट टेस्टिंग भी कर सकते हैं जी उदे च की होंदा जी इको 10 पेशेंट लगातार लैके उदे दो बारी टेस्ट लगाओ लेकिन ए मशीन एस मेथड जेड़ा है रेंडम एरर ते फड़ लेगा लेकिन एस सिस्टमिक एरर नु फड़न वास्ते अच्छा मेथड नहीं हैगा और एक बिजी लैब करने वास्ते बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल जहा मैथड है कि रोज 10-10 पेशेंट के 2-2 बारी सैंपल लगाओ
ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਔਨ ਅ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸਿਸ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲਟਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਇਹਦੇ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਐਚ ਐਨ ਐਚ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਮੈਟੋਕ੍ਰਿਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇੰਟੂ 3 ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਚ ਐਨ ਐਚ ਮੈਥਡ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਵਲ ਕਿਉਸੀ ਲਗਾਓ ਜੀ ਡੇਲੀ ਲੈਵੀਜੈਨਿਕ ਚਾਰਟ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਵੈਸਗਾਰਡ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਇਨ ਅ ਬੈਚ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 20 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਬੁਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਬੁਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਾਸ ਸੈਂਪਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸੈਂਪਲ 500,000 ਲੈਬ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲਦੀਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅਗਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੇਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਮੇਬੀ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਬਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਲੀਬਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਸ ਆਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਰਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਲਸਲੀ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 1000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਊਟਲਾਇਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਖੁੱਡੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂਅਲ ਇਨਪੁੱਟ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪਾਓਗੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਮੀਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਵੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ
सीवियर एनीमिया वासे या कोई आईटीपी दा पेशेंट है तुहाडे कोल हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर थोड़ी बहुत तुहानू इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए भी इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी साड़ी की करती है, इंपीडेंस बेस्ड हैगी और उदे च फ्लो साइटोमीटर हैगा, उदी के की लिमिटेशन हैगी क्योंकि हर मशीन की कोई लिमिटेशन होंगी, मशीन जेड़े फ्लैग दे रही है उदी की लिमिटेशन हैगी, कद तुसी स्मीयर रिव्यू करना है वो सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, मशीन जेड़े एरर दे रही है वो की एरर हैगे ने और उन्होंने की मैनेजमेंट हैगी, कद वो एरर नू असी मशीन दे इंजीनियर नू कंपनी दे इंजीनियर नू एस्केलेट करना है, फिर तुसी रीजनिंग करनी है, तुसी बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस करना है सारी एरर का, फिर तुसी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखनी है जी, तुसी अपने ग्राफ पूरे मेंटेन करने ने, क्यूसी पूरा ठीक तरीके नाल लगाना है, उन्हें मॉनिटर भी करना है अपने, अगर मान लो तुहाडे वेस्टगार्ड रूल लगा के एरर्स आ रहे ने वो एरर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उन्हें एरर की तुसी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन की लिता उदी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और यह पूरा एक फीडबैक लूप है, जे किथे तुहाडे बंदे ने करन एक भूल चुक की तो उदी मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है, यह सारे प्रोसीजर नू मिला के असी कहने जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या कई लोग उसनू QMS भी कहते हैं। फिर वही तीन स्टेप होंगे जी कापा दे, सब तो पहले प्रॉब्लम एनालिसिस, गलती कितने है जी, दूजा डिसीजन एनालिसिस, गलती किवें ठीक करनी है जी, और तीजा स्टेप तुहाडा होंदा है जी पोटेंशियल प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी कि जड़ी हुण गलती हो गई है वो गलती नू अगे किवें प्रिवेंट करना है, ते ए बेसिकली इनू असी कापा भी कहने हैं, करेक्टिव असैसमेंट प्रिवेंटिव असैसमेंट, ठीक है ना, ते जब असी किसी भी फॉल्ट का करेक्टिव एनालिसिस और प्रिवेंटिव एनालिसिस करने हैं ते असी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों नू एड्रेस कर देने हैं। उन कुछ कॉमन बायोलॉजिकल कंडीशन विजे सीबीसी रिजल्ट नू अफेक्ट करनी है जी, ऐसी कल भी डिस्कस की थी लेकिन एक बार जी असी और रिवाइज करांगे, WBC दी जड़ी वैल्यू है वो बिलीरूबिन नाल इफेक्ट हो जाती, यानी कि इट्रिक सैंपल नाल इफेक्ट हो जाती, अगर बहुत ज्यादा लिपिड लाइपीमिक सैंपल होए उदे नाल भी इफेक्ट हो जाती जी, अगर RBC लाइज ना होए यानी लाइज रेजिस्टेंट RBC हो ना वो WBC कई बार गिन जाते हैं, क्योंकि खासकर कई बार जो WBC लाइज अगर माइल्ड होए तो लाइज रेजिस्टेंट RBC नू मार नहीं पाता, हीमोलिटिक सैंपल इच प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बंदे की करते हैं जी सिरिंज नो सैंपल लेंदे ने और नीडल नाल ही पुश कर देंदे ने, उहदे नाल RBC दी क्रशिंग हो जाती है, न्यूक्लेटेड RBC WBC गिने जाते हैं, तो जब न्यूक्लेटेड RBC होन ते उन्हां नू बेसिकली ऑटो करेक्शन किसी किसी एनालाइजर भी बेसिक वाले नहीं होंगी तो तुहानू मैनुअली WBC काउंट नू ऑटो करेक्ट करना पैंदा, और कीमोथेरेपी के मरीजों कहते कहते की होंगे WBC दे फ्रैगमेंटेशन हो जाती, WBC टूट जाता, वह फ्रैगमेंटेशन होने के कारण भी कदे कदे WBC की वैल्यू गलत आती, उन्होंने भी एक बार स्मीयर रिव्यू करना जरूरी है, तो यह सारी कंडीशन तुहाडे WBC की वैल्यूज में अफेक्ट कर सकती है, RBC की वैल्यू अफेक्ट होती है कोल्ड एग्लूटीनेशन नाल, जबकि वो बहुत ठंडा सैंपल है, मैं तुहानू कहा सी कि वो RBC वैल्यू कट देगा, उन्होंने अद्धा घंटा इनक्यूबेट करना है दोबारा रन करना, और किसी किसी कंडीशन ही रूले फॉर्मेशन हो जाती है और RBC एग्लूटीनेट हो जाते हैं, उदेज भी अफेक्ट हो जाती है RBC की वैल्यू, कई बार तुहाडे सीवियर हीमोलिसिस और RBC फ्रैगमेंटेशन च भी RBC की वैल्यू इफेक्ट हो जाती, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लेटलेट वैल्यू, यह सब तो सेंसिटिव वैल्यू है अमंग द थ्री CBC पैरामीटर्स, यह बहुत सारी कंडीशन इफेक्ट होती है, सब तो पहले माइक्रोसिटिक RBC जेडे आयरन डेफिशियंसी एनीमिया या फ्रैगमेंटेड RBC जेडे हीमोलिटिक एनीमिया च वो कदे कदे प्लेटलेट गिने जाते हैं, उदे करके प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, कदे कदे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है बिकॉज असी सैंपल दी मिक्सिंग ठीक नहीं की, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ ठीक नहीं फॉलो किया, या कदे कदे EDTA नाल ही सूडो एग्रीगेशन हो गई प्लेटलेट की, उहदे करके प्लेटलेट वैल्यू घट जाती है, कदे कदे बहुत ज्यादा जॉइंट प्लेटलेट होंगे ने जिवें तुहाडे डेंगू ITP या तुहाडे जिहड़े पाकिस्तान दे ओरिजन दे पंजाबी पेशेंट है खासकर पिशावर साइड के, उन्हां च मेडिटेरेनियन प्लेटलेट सिंड्रोम होंदा है, इन्हां च भी प्लेटलेट काउंट मशीन कट दें दी क्योंकि वो जॉइंट प्लेटलेट सारे RBC जाके गिन लें दी जी, और कीमोथेरेपी दे पेशेंट जब RBC फ्रैगमेंटेशन होंदी है WBC फ्रैगमेंटेशन होंदी कदे कदे वो प्लेटलेट जाके गिन जाती है, और अगर हाईली लाइपीमिक सैंपल हैगा वो भी प्लेटलेट काउंट इच नॉइस क्रिएट करता है, तो यह सारी कंडीशन जी है वो प्लेटलेट काउंट इफेक्ट कर दी ने, असी कल भी डिस्कस किया, और इन्हों का सोल्यूशन भी
बेसिकली जब तुहानू प्रॉब्लम दा अंदाजा रहेगा तो तुसी सोल्यूशन भी लभ लोगे, वो दे कोई दिक्कत नहीं। ते एदे नाल जी असी अज दा टॉक नू समाप्त करने हैं जी। ते इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर। थैंक यू।